दिल्ली में लूटपाट और गोली मारने की वारदातें अब आम होती जा रही हैं। अस्पताल में स्ट्रेचर पर घायल पड़े इस शख्स का नाम ब्रजपाल है, जो कि बाहरी दिल्ली के मुंडका इलाके के एक चूना प्लास्टर फैक्ट्री में बतौर कलेक्शन एजेंट का काम करता है। ब्रजपाल के परिजनों ने बताया कि हर रोज की तरह बीती शाम भी ब्रजपाल मार्केट से रुपए की कलेक्शन कर जैसे ही मुंडका अंडरपास से बाहर निकला, तभी वहां दो बदमाशों ने उसकी बाइक रुकवाकर उसके सीने में गोली मार दी और रुपए से भरे बैग को लेकर बदमाश फरार हो गए। परिजनों के अनुसार उनके बैग में करीब 1.5 से 2 लाख रुपए कैश था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल हालत में ब्रजपाल को मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बनी हुई है। कलेक्शन करके रोज जाते हैं मार्केट में और कलेक्शन करके बाजार से आ रहा था। मुंडका अंडर पास से लिया, यूटर्न लेते वहाँ पे दो बंदे आए और इसका बाइक स्लो थी, बाइक रुका करके गोली मार दी, बाइक और बैग छीन करके पैसे भी तो उसमें कैश खराब हो गया। कितना है कैश होगा? अप्रोक्स 2 लाख रुपये। 2 लाख रुपए के आसपास। तो किस पर आए थे लोग, क्या कुछ पता है? वो पता नहीं पाया था किस बात है, वो तो यही बताया था। अब तो ये थोड़ी सी स्थिति डॉक्टर देख रहे हैं, बाकी ये बताया था कि दो लड़के आए एकदम झटके में, बोला हाँ यही है गोली मारी और बैग छीन लिया, बाइक स्लो थी उस टाइम में, वहाँ थोड़ा रास्ता ऐसा ही है और तुरंत अंडर पास के अंदर कूद गए। हाँ, ये लूट का एंगल है, मैं भी जो लूट है वो भी ऑप्शन में अभी इलाज चल रहा है और ये भी रॉबी की घटना है, जिसमें 50,000 रुपये फिंगर के लेके चले गए और गोली मारी। वारदात के बाद जिले के एडिशनल डीसीपी भी मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल पहुंचे और दूसरे पुलिस अधिकारियों से मामले की जानकारी ली, साथ ही घायल युवक के परिजनों से भी मिले। युवक का दावा है कि आरोपियों को वो जल्द गिरफ्तार कर लेगी। फिलहाल मुंडका थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसके साथ साथ जिले की स्पेशल स्टाफ की टीम भी इस मामले को सुलझाने में जुट गई है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि अब अपराधियों में न तो कानून का कोई डर बचा है और न ही पुलिस का कोई खौफ। हर्षित मिश्रा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।